गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? चलिए तो हम मेरी सीरीज चल रही है बहुत ही पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। ये जो मेरी मैथ्स और इंग्लिश की जो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस की और डिफ़िकल्ट प्रश्नों का जो सिलेबस है, मैं उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है ना, आखिर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए कोई बंदा होता है जो 90 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट लेता है 100 में और लास्ट का 10 क्वेश्चन वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो टॉपर की लिस्ट में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो जो टॉपर्स लोग क्या करते हैं, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ कि जो 10 क्वेश्चन जो आपका फंस जाता है ना, वो याद नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल से सॉल्व होता है, तो उन 10 क्वेश्चन का डील मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो दोस्त जो कभी भी इंग्लिश और मैथ की क्लास नहीं किए, प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ लोग अनलाइक भी कर देते हैं, डिसलाइक करते हैं, ठीक है, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आपकी इंग्लिश तो कुछ है नहीं पढ़ी हुई और आप इस वीडियो को देखने के लिए चले आए। आप इसको गौर से देखो मैंने लिखा क्या है कि मैथ्स और इंग्लिश के ऐसे ट्रिकी और डिफ़िकल्ट प्रश्नों की वजह से जिनका पेपर में पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, तो पहले आप वो को उसको आप पूरा पहले बेसिक पढ़िए तो ही आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, ये बेसिक नहीं है, बेसिक सीखना हो तो इसके अलावा मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद वहाँ आप वीडियो को देख पाइएगा कि कौन सा इजी से टर्म है। ठीक है, और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़, जो भी बंदा मेरे वीडियो को डिसलाइक करता है, मैं उससे यही बोलना चाहता हूँ कि नीचे कमेंट कीजिए, आखिर मुझे भी तो पता चले कि मुझ में कमियाँ क्या है, तो फिर मैं उस कमी को ठीक करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को वैसे स्टूडेंट ना देखें जो इंग्लिश स्टार्ट करें पढ़ने के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इंग्लिश जिनकी अच्छी है, बहुत अच्छी है इंग्लिश, सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो है। लास्ट का 10 क्वेश्चन फंसता है, मैं उसी को डिस्क्राइब करता हूँ। चलिए तो जो भी नया नया जो भी अभी मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी मेरे नए व्यूअर हैं, और इसके अलावा मेरी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आप वो देखिए, मेरा खुद का अपना इंस्टीट्यूट है ये, और ये हेयर आई एम इंजीनियर सुरेंद्र मेहता। अगर आप हमसे क्लास करना चाहते हैं मेरी कोचिंग में आइए, ये इंस्टीट्यूट पटना सिटी बिहार लोहागा पुल में है। ठीक है, ये बिहार का पहला यूट्यूब चैनल है, तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक डिस्कस किया था, आज मैं इसी के जस्ट बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए है क्या कि एक सेंटेंस है, दे डाउट दैट ही विल विन द रेस, उसको डाउट है कि वो रेस जीत जाएगा। इसके पीछे का रूल देखिए, यहाँ पे कहीं एरर नहीं समझ में आएगा। दोस्तों एक बार मैं फिर से बोल दूँ, जो भी इस वीडियो को पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इंग्लिश शुरू से सीखना चाहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को स्विच करें। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी इंग्लिश पहले से वो पढ़े हुए हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी है, वही इस वीडियो को देखें। ठीक है, वरना डिसलाइक तो बिल्कुल नहीं करें, किसी वीडियो को डिसलाइक नहीं करें, इसकी जगह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ सर हमें आपका वीडियो पसंद नहीं आया, यहाँ पे ये कमी है, ये फॉल्ट है, तो हम उसको करेक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए डाउट है और डाउटफुल है, आपको पता है, एक जो भी मेरा वीडियो डिसलाइक करता है उसको पता है ये बात कि एक वीडियो को बनाने में ना 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, कुछ हटकर यूनिक बनाना पड़ता है। लोग तो यूनिक डिसलाइक का कमेंट करते हैं, उनको तो समझ में आता नहीं, एक दिन खुद वीडियो बनाओ समझ में चली आएगी आपकी। ठीक है, तो आप किसी भी टीचर के मेहनत पे अगर आपको यकीन है, एक बार सिर्फ एक वीडियो आप बनाओ, ठीक है, और उस पर व्यूज़ उठाकर दिखाओ, तो आपको पता चल जाएगा कितना चैलेंजिंग होता है। खैर आप लोगों को तो जो करते होंगे उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा। खैर कहाँ है हम, कि जैसे दे डाउट दैट ही विल विन द रेस, उनको डाउट है कि वो रेस जीत जाएंगे, तो बस समझना सिर्फ इतना ही है कि सेंटेंस में अगर डाउट है और डाउटफुल है तो ये इसके साथ इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, कब, जब सेंटेंस का टोन पॉजिटिव हो, जैसे उसको डाउट है कि वो रेस जीत जाएगा, उसको डाउट है कि रेस जीत जाएगा, तो ही विल विन द रेस, देखिए इट्स अ पॉजिटिव टोन, जब पॉजिटिव टोन है तो डाउट या डाउटफुल के साथ क्या यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, अगर सेंटेंस का टोन निगेटिव हो या इंटरगेटिव हो तो डाउट या डाउटफुल के साथ दैट का प्रयोग करेंगे, बस। तो दे डाउट दैट, दैट कब लगता है, जब सेंटेंस में नॉट रहता है, टोन निगेटिव होता है या फिर क्वेश्चन मार्क होता है, पर ऐसा तो है नहीं, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, इफ या वेदर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ तक मैंने पिछले क्लास में चर्चा कर दिया था और अब मैं आज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।
रन केयरफुली लेस्ट यू विल फेल. देखिए एक तो यहाँ पहले ही गलती कर दिया कि सेंटेंस में लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, कहीं इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट के साथ जो वर्ड यूज होता है वो शुड यूज होता है. तो यहाँ सही क्या जाएगा कि रन सावधानी से चल दौड़ो लेस्ट यू शुड फेल, तो ये बिल नहीं होगा, लेस्ट यू शुड. क्लियर? अदरवाइज के साथ बिल का यूज कर, जैसे कैसे लेस्ट के साथ शुड, तो अदरवाइज यहाँ पे लेस्ट की जगह, जैसे रन केयरफुली अदरवाइज यू विल फेल, तो यहाँ लेस्ट की जगह अगर अदरवाइज होता तो हम बिल या शैल लगाते, सही था, पर लेस्ट लगा है तो शुड लगेगा. फिर से समझिए, लेस्ट लगा है तो शुड लगेगा और अदरवाइज लगा है तो शैल या विल लगेगा. तो लेस्ट की लगा है तो शुड लगेगा, अगर यहाँ अदरवाइज होता तो यहाँ विल या शैल होता. बस इतना ही समझना है आपको. नेक्स्ट आते हैं हम, योर कजिन विल डैश, यहाँ पे दो ऑप्शन हिम. तो देखिए रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब मिसिंग है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट और वर्ब आता है. अब जैसे ही वर्क्स एज हिज फादर डज, देखिए रूल क्या है कि एज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, लाइक हो तो सीधे ऑब्जेक्ट आता है. बस इतना ही समझना है आपको. रूल कहता है कि, फिर समझिए, रूल कहता है कि अगर वर्ड में एज आता हो तो एज के बाद जो वर्ड आएगा वो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. अगर आप लाइक यूज करोगे तो इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए. डिफरेंस इतना ही है. देखिए क्या कह रहा है, योर कजिन ब्रदर लुक, लुक आ गया तो लुक के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आना चाहिए. ये क्या, ये उल्टा पुल्टा आ रहा है. देखिए लुक्स लाइक, तो जब जैसे देखिए एज आएगा तो इसके बाद कोई सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है इसलिए एज यहाँ नहीं होगा. क्या होगा, लाइक होगा. फिर से समझिए कि लुक रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ लाइक है तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो लाइक है तो ऑब्जेक्ट आएगा इसलिए एज नहीं होगा, और एज रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. जैसे ही वर्क्स एज, एज आया तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो एज हीज फादर्स डज सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया. बस सिंपल. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, यू नीड नॉट फियर एज सून एज गॉड इज विथ यू. देखिए एक दो वर्ड होता है, एक होता है एज सून एज और एक होता है एज लॉन्ग एज. एज लॉन्ग एज जो जब तक सेंस ऑफ वाइल्ड एंड टाइम का केस होता है, और जो ही मोमेंट के साथ होता है, तब तो कैसे बोलते हैं कि यू नीड नॉट फियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. गॉड इज विथ यू, भगवान तुम्हारे साथ है. तो भगवान जी एक पल के लिए होते नहीं, भगवान जी हमेशा सदा सर्वदा के लिए और हर समय हमारे साथ रहते हैं. तो यहाँ एज सून एज ना होके क्या होगा, एज लॉन्ग एज. बस इतना ही डिफरेंस समझना था. दूसरा समझिए, दूसरा वर्ड है नीड नॉट और डेयर नॉट. नीड नॉट डेयर नॉट के साथ भी वन लगता है, ये समझिए जरा, ठीक है. टू प्लस भी वन नहीं लगेगा, टू प्लस भी वन एक इन्फिनिटी का केस हो जाता है. तो यू नीड नॉट फियर, देखिए नीड नॉट आया तो यहाँ टू नहीं लगेगा. जैसे यू नीड नॉट टू फियर, एग्जाम में ऐसे करके एरर देता है, यू नीड नॉट टू फियर, तो ये सेंटेंस गड़बड़ है. कि अगर देखिए सिर्फ नीड और डेयर लगा हो तो इसके साथ टू प्लस भी वन लगेगा, पर अगर नीड के साथ नॉट लगा दें हम तो टू प्लस भी वन नहीं लगेगा, सिर्फ भी वन लगेगा. डिफरेंस को फिर से समझें कि अगर नीड नॉट, नीड या डेयर के साथ नॉट लगा हो तो सिर्फ और सिर्फ भी वन लगेगा, ठीक है, और नीड और डेयर ये लगा हो, इससे नॉट नहीं हो तो टू प्लस भी वन लगेगा, ठीक है. और यहाँ क्या था कि एज सुन एज और एज लॉन्ग एज, एज सुन एज जो ही एट ए मोमेंट के लिए और एज लॉन्ग एज टाइम के लिए आता है, इसलिए यू नीड नॉट फियर एज सुन एज गॉड इज विथ यू. एज सुन एज तो इंस्टेंट टाइम के लिए होता है, भगवान जी सदा सर्वदा के लिए हैं, ठीक है. चलिए प्लीज इस वीडियो को दो बार जरूर देखें. अब देखते हैं सी हैज ओनली डैश फ्रेंड्स. देखिए दो वर्ड होता है, एक फ्यूअर होता है एक फ्यू होता है. तो रूल समझिए, देखिए दोस्तों रूल समझिए इसको. सी हैज ओनली फ्यूअर फ्रेंड्स. अब देखिए रूल क्या है कि अगर सेंटेंस में ओनली नहीं होता,
सेंटेंस में अगर वनली नहीं होता तो फ्यूअर होता, तो सी हैज फ्यूअर फ्रेंड्स, पर वनली लगा है, तो जब वनली लगा होगा तो फ्यू लगाएंगे, बस हो गया। ये सब पता होगा तो ही बना पाइएगा। सी हैज वनली लगा है तो अब फ्यू लगेगा, अब वनली नहीं होता तो फ्यूअर लगाता, तो सी हैज फ्यूअर फ्रेंड्स, सी हैज ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट, एक है वर्ड दाउ और एक है वर्ड आपको हाउएवर, यहां थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, हाउ ई भी ई आर होगा, हाउएवर की वर्ड मीनिंग ये होती है। तो दाउ का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, तो दाउ जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है, हाउएवर जबकि फिर भी जनरली सेंटेंस के बीच में यूज होता है। बस डिफरेंस आपको इतना ही पता करना है कि जो सेंटेंस अगर दाउ देखेंगे हम तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, हाउएवर देखेंगे तो सेंटेंस के बीच में, ठीक है? बस ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, द पेपर वॉज लेंदी डैश वी डिड ऑल द क्वेश्चन। अब समझिए अभी क्या पढ़े हम, कि दाउ सेंटेंस के शुरू में, हाउएवर सेंटेंस के बीच में। तो देखिए, एक तो फॉर अ सो नहीं लगेगा, ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है? फॉर और सो ही नहीं लगेगा, ये तो क्लियर है। बचा आपके पास ऑल्दो और हाउएवर, तो इसको कैसे समझेंगे कि कौन लगेगा भाई, ऑल्दो लगेगा कि हाउएवर लगेगा? तो हालांकि दाव अल्दो, तो अल्दो हालांकि, यद्यपि या हालांकि, देखिए अल्दो है कि दाव, दाव मतलब हालांकि, अल्दो माने हालांकि, ठीक है? तो अल्दो होगा, ठीक है? या तो द पेपर वॉज लेंदी, तो देखिए थोड़ा समझिए कि अल्दो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जबकि हाउएवर सेंटेंस के एंड बीच में, तो सेंटेंस के बीच में चाहिए तो क्या लगेगा? हाउएवर, बस इतना ही पता करना था आपको। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अगर ऐसा हमें लगे कि भविष्य में हम कोई काम ख़त्म कर चुकेंगे, अगर आपको डाउट हो कि भविष्य में कोई काम आप ख़त्म कर चुके होंगे, तो देखो ये वुड हैव, मस्ट हैव या वुड भी थ्री ऐसा यूज़ नहीं करते। यूज़ क्या करते हैं? हैव प्लस भी थ्री का यूज़ करते हैं। फिर से समझिए कि अगर आपको ऐसा लगे कि भविष्य में हम कोई काम ख़त्म कर चुकेंगे, देखिए वुड हैव का प्रयोग करते हैं पास्ट के केस में, ये तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए फ्यूचर के केस में इसको यूज़ नहीं करेंगे, फ्यूचर में यूज़ करते हैं हैव प्लस वी थ्री का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ यू हैव रीड दिस रिपोर्ट बाई नेक्स्ट फ्राइडे, इफ़ यू हैव रीड दिस रिपोर्ट बाई नेक्स्ट फ्राइडे, यू विल बी एबल टू डिस्कस इट एट आवर मीटिंग ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। इसमें दो तीन वर्ड देखिए कि कोई भी डेज वगैरह हो तो डेज के साथ प्रपोजिशन ऑन लगाते हैं, एक वर्ड। दूसरा, कोई फिक्स्ड चीज़ हो, जैसे हम जो डिस्कस कर रहे हैं अपना जो एजेंडा है मेरा, वो डिस्कस कर रहे हैं मीटिंग में, इसलिए मीटिंग के साथ एट लगाएं, कोई फिक्स्ड चीज़ के साथ एट लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, एबल के साथ प्रपोजिशन टू लगता है, ये भी ध्यान रखिए। यू बिल भी, यहां देखिए बिल के साथ बी लग गया, ठीक है? अब देखिए सेंटेंस पढ़िए, इफ यू डैश, डैश मारा है और उसके साथ ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इफ यू डैश दिस रिपोर्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, यू विल बी एबल टू डिस्कस इट आवर मीटिंग ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। कह रहा है कि अगर आप इस रिपोर्ट को अगले फ्राइडे तक सबमिट कर दीजिएगा तो आप इस आप मीटिंग में इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो आप मीटिंग में इसको डिस्कस कर सकते हैं, बस यही बात बोल रहा है आपसे। तो क्या हो रहा है कि इन केस नेक्स्ट फ्राइडे तक अगर आप जमा कर देते, तो ये बात हो रही है फ्यूचर की। तो जब फ्यूचर की बात होगी, तो अभी मैंने आपको बोला कि हैव प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे, तो इफ़ यू हैव रीड, देखिए हैव प्लस वी थ्री यूज होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है। अब बात करते हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंस के, कंडीशनल सेंटेंस के केस में, फ्यूचर केस, कंडीशनल सेंटेंस केस में जब अगर फ्यूचर केस आता हो, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के केस में अगर कोई फ्यूचर केस आता हो, तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिल
उसके बाद जो आए वट एवर. क्लियर? कंडीशनल सेंटेंस के केस में फ्यूचर केस का रूल, तो आगे में अगर फ्यूचर का यूज होता है तो पीछे में जो हम लोग यूज करेंगे इफ क्लाउज के साथ वो लगेगा आपको हैज या हैव. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट. अब नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इडियोमेटिक यूज है. जैसे इन डिटेल होता है, इन ट्रबल होता है, इन डेंजर होता है, इन डेट होता है. एग्जाम में फंसाता कैसे? इन डिटेल्स करके देगा, इन ट्रबल्स करके देगा. फिर से समझिए, एग्जाम में आपको इन डिटेल्स करके देगा, लास्ट में एस लगा देगा. तो सेंटेंस में एस नहीं लगेगा, सिर्फ इन डिटेल होगा. तो बस यही आपको जानना है. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखा जाए कि ये जो एडवाइस है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब होता है सलाह. और आपको पता क्या करना है कि ये एडवाइस है, जो ये एडवाइस, इस एडवाइस का मतलब नाउन, ये एडवाइसेस का, ये एडवाइसेस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है. ठीक है, ये सिंगुलर है और इसको आप एस लगा के देखिए, ये सॉरी प्लुरल है, हमेशा एगो नहीं दो चार को एडवाइस देते हैं. इसको प्लुरल बनाना हो तो थ्री पीसेज ऑफ एडवाइस होगा. ठीक है, इसमें एस लगा के इसको पुलर नहीं बनाया जाता. इसको पुलर बनाने के लिए एडवाइस को थ्री पीसेज ऑफ, टू पीसेज ऑफ एडवाइस, थ्री काइंड्स ऑफ एडवाइस, इस तरह से. और देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. तो रूल क्या कहता है कि बोथ के बाद कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? एंड, पता होगा सबको. बोथ के बाद जो कंजंक्शन यूज होता है सेंटेंस में, कभी बोथ दिखे और आपके सामने ऑप्शन दिखे कि एज वेल एज दिखे और एंड दिखे, तो आपको कंजंक्शन कौन सा यूज़ करना है? एंड यूज़ करना है. और ये गलत है. बोथ जब दिखे तो कंजंक्शन कौन सा यूज़ होगा? बोथ के साथ कंजंक्शन एड यूज़ होता है, ये सही है. और एज वेल एज गलत है. तो एक सेंटेंस है आपके सामने कि बोथ हरी एज वेल एज सोनू, और उसके बाद सेंटेंस कुछ भी रहे, बोथ हरी एज वेल एज सोनू आर कमिंग टुमारो, ऐसा कुछ भी रहा है, तो बोथ जग दिख गया तो इसके साथ क्या लगेगा? एंड लगेगा. एज वेल एज गलत है. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रूल है मेरा, आई डोंट नो व्हेन ही कम्स. ये सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है. आई डोंट नो व्हेन ही कम्स, तो इसको देखिए, ये आपको मतलब हम आपको यहां ये बताना चाहते हैं कि सेंटेंस ऐसे देता है कि I don't know when does he come. फिर समझिए, when does he come. सेंटेंस को इस तरह से करके देगा. तो बट डिफरेंस ये समझना है, ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये जवाब दे रहा है कि I don't know when does he come. इसलिए यहाँ does नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये जवाब दे रहा है, इसलिए वेन ही कम्स होगा. बस यही आपको बारीकियों से डिफरेंस पता करना है. ठीक है, आई नो हाउ ही प्लेज, या आई नो हाउ डज ही प्लेज नहीं होगा. आई नो हाउ डज ही प्लेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, मुझे पता है कि वो कैसे खेलता है. तो ये असर्टिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस असर्टिव का है ना कि इंटरोगेटिव का. तो वेन डज ही कम, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. हाउ डज ही प्ले, वह कैसे खेलता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. अब कुछ रूल समझिए कि जब मेन सेंटेंस में इफ व्हेन अनलेस अनटिल इन केस एज लॉन्ग एज से शुरू होने वाले वाक्य के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं. फिर से समझिए कि जब भी सेंटेंस में जब भी सेंटेंस में इफ व्हेन अनलेस अनटिल इन केस एज लॉन्ग एज से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा. बस यही आपको याद रखना है. जैसे वो तो मैंने दिखाई दिया था, अब देखिए कुछ नया कुछ. जैसे आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल पे. देखिए सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस एज लॉन्ग एज से बना स्टार्ट हुआ है, तो जब एज लॉन्ग एज से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इसके साथ विल का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यू पे विल. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दो व्यक्ति या वस्तुओं को क्रम को बताने के लिए लैटर वर्ड का यूज करते हैं. लैटर का मतलब होता है बाद वाला. ठीक है, ये लेटर नहीं होता, इस लेटर का मतलब कुछ और होता है, इस लेटर का मतलब बाद में.
आइसलेटर जैसे कंजिक्यूटिव को दिखाते जैसे किंतु दो से अधिक व्यक्तियां वस्तुओं के क्रम को बताने के लिए लास्ट का प्रयोग होता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या क्रम को बताने के लिए लास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, द लेटर इज अ डॉक्टर, कहता राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, और जो बाद वाला कौन, श्याम। तो इस केस में लेटर, देखिए इस लेटर का ध्यान देखिए, क्लियर, राम एंड श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स एंड द लास्ट वन इज, देखिए यहाँ तीन बंदे का सीरीज है, इज राम श्याम एंड मोहन, और जो लास्ट वाला है वो इंजीनियर, तो लास्ट वाला कौन, मोहन। यही चीज आपको बारीकियों से डिफरेंस पता रखना है। अब अगला देखते हैं हम, स्विम स्वैम स्वम, ये वर्ब का फॉर्म है, ध्यान रखना कि बी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर। एग्जाम में आपको वर्ब का तीनों फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा, तो हैड के बाद स्विम स्वैम स्वम होता है, इसलिए यहाँ स्वम होगा। नेक्स्ट आइए कुछ वर्ड्स को समझिए, ही रिसेम्बल, टेल, ऑफर, एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इनके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है, टू इसके साथ टू विथ का प्रयोग नहीं होता है। जैसे समझिए, सी टोल्ड मी, तो टोल्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट। अब जैसे अगर हम बोलते सेंटेंस में कि सी टोल्ड टू मी, सी टोल्ड टू मी, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद टू नहीं आता है। सी रिसेम्बल्स हर फादर, सी रिसेम्बल्स विथ हर मदर, ऐसे करके एग्जाम में एरर देता है, पर ध्यान रखिएगा कि रिसेम्बल ए ट्रांजिटिव वर्ब, इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, तो रिसेम्बल्स टू हिज फादर ये गलत है। अगला ये, आई ऑफर टू हिम अ जॉब, मैंने उसे एक जॉब ऑफर किया, तो देखिए फिर नहीं लगेगा, तो रिसेम्बल, टेल और ऑफर तीनों एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके साथ किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई भी प्रपोजिशन लगता, सीधे ऑब्जेक्ट आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव, एक कार्डिनल एडजेक्टिव। जैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, और कार्डिनल 5, 4, 3, 2। तो देखो पता क्या रखना है कि द फर्स्ट 5 क्वेश्चन होता है और द लास्ट 3 क्वेश्चन। एग्जाम एरर कैसे देता है, द 5 फर्स्ट क्वेश्चन और द 3 लास्ट चैप्टर्स, ऐसे करके देगा, तो नहीं। तो पहले क्या समझना है कि ऑर्डिनल पहले आएगा, बाद में कार्डिनल आएगा, तो द फर्स्ट 5 चैप्टर, पहला 5 चैप्टर, द लास्ट 3 चैप्टर, ये आपको डिफरेंस पता रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम कि विथ टीएस इन टीएस, देखिए डिफरेंस क्या है कि लता पार्टेड फ्रॉम, लता देखिए पार्ट फ्रॉम होता है तो पता ही है, अपार्ट फ्रॉम पर्सन के साथ करते हैं, अपार्ट विथ कोई चीज के साथ, दोनों प्रपोजिशन मैंने आपको बताया है कि पार्ट फ्रॉम पर्सन, अपार्ट विथ थिंग, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो लता पार्टेड फ्रॉम हर मदर विथ टीयर्स, देखो इसमें कोई एरर आपको पता नहीं चलेगा, जब खुद बनाओगे आप तो आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ दो दो गलती है। तो लता पार्टेड विथ हर मदर विथ टीयर्स, तो पार्ट फ्रॉम पर्सन तो फ्रॉम लाएगा, और विथ टीयर्स नहीं, इन टीयर्स होता है क्योंकि विथ यहाँ नहीं लगेगा। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि विथ टीयर्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, इन टीयर्स होता है आंसुओं में। चलिए तो नेक्स्ट देखा जाए, गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, गिल्टी ऑफ रॉबरी। तो ध्यान रखिए गिल्टी के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगता है, याद रखना है, गिल्टी ऑफ मर्डर होता है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट और गिल्टी ऑफ रॉबरी, तो गिल्टी के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अनफिल्ड कंडीशन डिजायर विथ को व्यक्त करते हैं, अनफिल्ड कंडीशन डिजायर विथ को व्यक्त करने के लिए, कैसे, जो डिजायर पूरा नहीं हुआ, जैसे एफ पलक कंडीशनल सेंटेंस,
if plus subject plus had plus b3 तो अगला क्या होगा subject plus would could might have plus b3 और उसके बाद में object जाएगा ये conditional sentence जैसे if I would have worked regularly, I would have passed the examination. अगर मैंने लगातार मेहनत की होती तो मैं examination पास कर जाता तो रूल क्या समझना है कि would have plus b3 का केस हो नेक्स्ट सेंटेंस में तो जो पीछे वाला सेंटेंस है if plus subject plus had का यूज़ करते हैं या फिर एक और रूल क्या कहता है कि if plus had plus subject plus b3 ये भी सही है if plus देखिए had को पीछे कर दीजिए subject आए कीजिए तो भी रूल सही होगा नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर सी विल्ड टू प्रपोजिशन लगता है पता है ना विल्ड टू लगता है नेक्स्ट आते हैं अगला मेरा कि सबको पता है कि वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ प्लुरल फॉर्म लगता है भी पता सबको ठीक है जैसे इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड तो इंडिया देखिए वन ऑफ आ गया जब वन ऑफ आ गया तो आगे कोई नाउन चुन कीजिए चूज कीजिए नाउन आ गया कंट्री तो कंट्रीज हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं हार्डली या स्कार्सली के बाद कंजंक्शन वेन का यूज करते हैं नो सुनर के साथ दैन का हार्डली स्कार्सली के साथ वेन का हो गया हार्डली स्कार्सली हैड आई लेफ्ट द हाउस वेन इट बिगेन टू रेन फिर से समझिए आई रूल कैसे चलता है तो हार्डली स्कार्सली के बाद हैड का यूज करते हैं उसके बाद कोई सब्जेक्ट होता तो हार्डली स्कार्सली हैड आई लेफ्ट द हाउस तो हार्डली स्कार्सली के साथ कौन वेन इट बिगेन टू रेन नो सूनर के साथ डिड का प्रयोग करते हैं या फिर हैड का प्रयोग करते हैं अगर डिड यूज करेंगे तो बी वन हैड यूज करेंगे तो बी थ्री और नो सूनर के साथ फिर कंजंक्शन कौन सा दैन और देखिए आगे इंस्टीड ऑफ का मतलब के बदले में इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले में स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद तो इंस्टीड ऑफ मनी इंस्टीड ऑफ मनी ही गेव मी अ बुक पैसे के बदले में तो यहाँ बावजूद नहीं ना होगा इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स ही कुड नॉट सक्सेड मतलब अपने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बावजूद अपना बेस्ट देने के बावजूद वो बंदा सक्सेस नहीं हो पाया कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम होगा पर रुकना नहीं है फिर समझिए इंस्टीड ऑफ मनी पैसे के बदले में इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट ही कुड नॉट सक्सेड ठीक है लुक एट का मतलब किसी को देखना किसी स्थिर चीज को देखना तो यहाँ लुक एट का यूज करेंगे ठीक है तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो अब हम वीडियो को चलिए तो देखा जाए सोचा एक पेज और है तो एक पेज पूरा कर देते हैं इसमें अगला ये ऑफर एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है जो दो ऑब्जेक्ट लेके आता है जब ऑफर्ड होगा तो दो ट्रांजिटिव वर्ब जैसे ऑफर्ड आई ऑफर्ड हिम अ जॉब I offered him work. तो ये offered है जो दो ये डाई ट्रांजिटिव भाव इसलिए दो ऑब्जेक्ट लेके आता है बस यही आपको पता रखना है दूसरा देखिए not only but also, neither nor, either or, ये भी आपको पता होना चाहिए सो दो सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट और दो वर्ब को जोड़ा जाता है जैसे थोड़ा समझना ये है कि नॉट ओनली राम तो जैसे नॉट ओनली के बाद राम क्या है नाउन है तो बट ऑल्सो के भी बाद भी राम आना चाहिए मतलब कोई नाउन आना चाहिए ठीक है ही नॉट ओनली रीड्स तो इसके बाद भर्व आया तो बट ऑल्सो के बाद भी एक भर्व आना चाहिए क्लियर नॉट ओनली एजुकेटेड भी थ्री आया तो इसके बाद भी एक भर्व आना चाहिए ठीक है अब आगे देखते हैं As because, since, as soon as के बाद therefore, so, then आदि का प्रयोग नहीं होता है ये बात मन में सेट कर लीजिए कि as because, since, as soon as के बाद therefore, so, then आदि का प्रयोग नहीं होता है तो जैसे आप देखो तो as therefore ऐसा नहीं करना है because, so, फिर से समझिए
कि जब सेंटेंस में एज बिकॉज सिंस एज सुन एज के बाद देयरफॉर सो देन आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एज सुन एज द बेल रैंग अ देन द स्टूडेंट एंटर द क्लास, तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज़ कर दिए हम, एज सुन एज यूज़ कर दिए, इसलिए देन नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, समझिए इसको कि एज बिकॉज सिंस एज सुन एज के बाद देयरफॉर सो देन आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल बजा, देन द क्लास एंटर द क्लास, देन द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास, कहता है कि तो देन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एज सुन एज लग गया, ठीक है। देन का प्रयोग यहाँ क्या हो गया, सुपरफ्लूस हो गया। अब आगे देखते हैं कि स्टिल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, बी वे और येट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे स्टिल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे बी वेयर स्टिल टॉकिंग अबाउट वॉट वी शुड डू, बी वेयर स्टिल टॉकिंग अबाउट वॉट वी शुड डू, हम लोग अभी तक इसी बात पर डिस्कस करें कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ स्टिल लगेगा। बस इतना ही डिफरेंस पकड़ना है कि यहाँ स्टिल की जगह येट नहीं लगेगा, येट निगेटिव सेंस में लगता है और स्टिल किस में, स्टिल लगता है पॉजिटिव वर्ड में, ठीक है। जैसे ही हैज नॉट फिनिश्ड येट, वो अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया, तो सेंटेंस में निगेटिव टोन इसलिए येट लगा और सेंटेंस में पॉजिटिव टोन इसलिए स्टिल लगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें इसको, कमेंट करें, और लाइक से अच्छा आप एक कमेंट कर दो तो, और कुछ अगर आपको दिक्कत हो रही हो वीडियो समझने में, तो अगर आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब कि आपका इंग्लिश वीक है। तो सबसे पहले मेरी बेसिक जो इंग्लिश की क्लास जो मैंने पीछे दी है पहले वो कर लीजिए, और एक इंस्टीट्यूट में किसी अच्छे से कोचिंग में जाकर आप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। ये बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश चल रही है, ठीक है। और ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 7 है, इसके पहले अगर आपने 6 नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और ये है मेरा डिटेल, आई एम इंजीनियर सुरेंद्र मेहता, एंड थैंक्स फॉर आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और मैं मैथ और इंग्लिश दोनों ही क्लास लेता हूँ, और आप मेरी वीडियो देख करके आप खुद पता चली गया होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको जॉब लेनी है और जल्द से जल्द जॉब लेनी है, ठीक है, एक रफ्तार के साथ, और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बहुत ही हाई लेवल तक जाए, टॉपर्स की लिस्ट में आए आप, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और आप मेरे कोचिंग में आकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप मेरे इस कोचिंग के एड्रेस के नज़दीक में आते तो, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए, और अगर हमें कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।